वेलकम टू माय चैनल माय नीटिंग स्टूडियो। देखिए आज आपके लिए मैं कितना अच्छा प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। ये 3 साल के बच्चे के लिए, 2 से 3 साल के उम्र के बच्चे के लिए पुल ओवर है। और ये जिप लगाइए, देखिए यहाँ पे मैं जिप पर आइए। ये देखें अंदर से ये ऐसा है। हमने इसका बैंड तैयार किया यहाँ पे, और फिर ये हमें डबल बॉर्डर से मैंने इसका कॉलर बनाया है, और मैंने ये इसकी क्रॉस पॉकेट्स भी बनाई हैं। ये देखें कितनी स्मार्ट सी क्रॉस पॉकेट्स हैं। तो ये कलर कम्बिनेशन बताएं कैसा है, रेड एंड ब्लू, इट्स ब्यूटीफुल फॉर बॉय। तो यहाँ भी डबल बॉर्डर बनाया है हमने, ये देखें ये इसका भी और इसका भी। तो ये जो है इसको आज हम बनाएंगे। ये देखिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इसको मैंने एक्सप्लेन किया है बड़े अच्छी तरीके से। और ये सामने से ऐसे है, और ये बैक साइड से देखें ऐसा है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं आज। देखिए फ्रेंड्स, ये आज हम एक टॉडलर बॉय के लिए फ्रॉम 2 to 3 years ओल्ड के लिए हम लोग जंपर बनाएंगे, पुलओवर बनाएंगे जिसके आगे जिप लगी होगी, जिपर होगा वो। और उसके लिए ये लोकल वूल है, शाइन डबल नेट है, और ये जो है ये भी 2 कलर्स में यूज़ करूँगी। ये बाली की है डबल नेट, तो इसके लिए मैं 9 नंबर की यानी 3.5 जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ नीडल। ठीक है, तो हमें एक प्रोविजनल कास्ट ऑन के लिए हमें थोड़ी सी वूल चाहिए होगी। तो मैं 90 फंदे यानी 90 फंदे में डालती हूँ। जैसे आप डालते हैं फंदे उस तरह डालिए स्टिचेस, जिस तरह आप कास्ट ऑन करते हैं। तो मैं इस तरीके से कास्ट ऑन करती हूँ। तो 90 फंदे पे हम डालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 45 जोड़े जो डाल लिए हैं, यानी 90 फंदे डाल लिए मैंने। तो अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे और इसको गांठ बांध लेंगे। अब ये दूसरी साइड जो है यहाँ से हम, जिससे मैंने कॉलर बनाना है ब्लू कलर से, वहाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थे 90 फंदे ही हम इस पे ये ब्लू धागे से निट करेंगे। एक पैडी कर लेते हैं, इसको गांठ बांध लें। ताकि ये सेव हो जाए। तो अब पूरा आपने इसको सीधा सीधा बनाना है। यह मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं प्रोविजनल थ्रेड क्यों यूज़ किया है, कास्ट ऑन क्यों मेथड यूज़ किया है।
ये देखेंगे इसको पूरी रो को बनाती हुई मैं साइड पे आ गई हूँ, एंड पे पहुँचने वाली हूँ। पलट जाए, अब आपने एक सीधा उल्टे का बॉर्डर बनाना है, ठीक है। वन इंटू वन रिब बॉर्डर बनाएंगे, ये देखिए मैंने एक रो पीछे से एक उल्टी सीधी बनाती हूँ, मैंने एक रो मुकम्मल कर ली है। तो अब हमने कुल जो है वो 32 रोज हमने बनानी है, तो वो हम फिर ये कॉलर फोल्ड करेंगे ऐसे बना के, फिर फोल्ड करेंगे। तो जो है वो अब मैंने एक रो बना ली है, तो एक जो है वो 15 रोज मैंने और बनानी है, तो 16 हो जाएंगी। उसके बाद फिर 16, तो 32 जो है वो मुकम्मल करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ, फिर आगे मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कॉलर जो है वो इतना बना लिया है, डबल कॉलर है ये। तो इसको मैं देखूँ कितनी इसकी जो है वो लेंथ हो गई है, इसकी तकरीबन 4.5 4.5 हो गई है, तो और जो सेंटीमीटर 11 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने प्रोविजनल कास्ट ऑन किया था ना, तो अब इसका मैं बताऊँ, इसको हमने यहाँ से उठाना है। अच्छा, 4 हम बुन लेते हैं, एक स्लिप कर लिया और 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी जो है ना 4 गेन के ना, देखें 1 2 3 और 4 ये छोड़ के, तो यहाँ से आपने जो है वो इसके साथ ये 4 छोड़ के, यहाँ से हमने 4 बुननी है, तो 4 यहाँ से छोड़ने, 1 2 3 4, ये जो 5th है ना, इसको आपने यहाँ से उठाकर इस पे यूँ डाल के, तो आपने इसको सीधा बुन लेना है, ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद अगला उठाएं ये जो है, और इसको इसके ऊपर नीडल पर, लेफ्ट नीडल पर लेके दोनों का निट टुगेदर, निट के टॉक करते हैं इस तरह। उसके बाद अगला ये है, इसको उठाएं, इस आपने सारे ये जो हैं दोनों निट टुगेदर करते जाने हैं। वहाँ से भी एक फंदा लेना है, यहाँ से एक फंदा लेना है। ये मैंने ये जो प्रोविजनल कास्ट ऑन था, इसलिए दूसरे कलर से मैंने किया था, ताकि यहाँ से जो फंदे उठाने आसान रहे मुझे।
ये देखिए मैंने ये बंद करते हुए आँखों में यूँ आ गई हूँ, नीट टुगेदर करते हुए के टॉक करते हुए। तो अब ये एक और करेंगे, उसके बाद हमें चार वहाँ से छोड़ने हैं, ठीक है। ये देखें, 1, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो बस एक और लेके ना ये, ठीक है, लास्ट हमने कर लिया। अब चार हम ऐसे बुन लेंगे, ठीक है। और ये जो चार्ज है ना, ये जो है, ये हम वो पट्टी बनाएंगे जिप किनचे लगाने वाली इसके साथ, ठीक है। ये अंदर की तरफ ये रन करेगी ऐसे, और ये बाहर की तरफ हमारा ये होगा। तो अब हम इसकी डिमार्केशन कर लेते हैं 90 फंदों की। हमने डिवीजन करनी है, यहाँ से हम उल्टा बुनेंगे। पहला जो है, अच्छा सॉरी, यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे, ये रेड वाला। तो हमने जो है ये 8, और ये 8 बटन पट्टी के, 8 जो फ्रंट के, ये हमने 16 होंगे, ये हमने 16 जो हैं वो हमारी बटन पट्टी तो ऐसा सच नहीं होगी, जो जहाँ पे हमने बीच में जिप लगानी है, तो बस यहाँ पे सीधा सीधा बनाएंगे। साइड से भी एज जो है ये सीधा बनेगा इसका। कितने हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 8, यानी हमारे 8, 8, 16 होंगे। तो अब हमने ये दो जो हैं, ये इसके जो हमने इंक्रीजेस करनी है, एक यहाँ पे करना है, एक यहाँ पे करना है, तो वो हम छोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। दो फंदे जो हैं, तो ये हम इन दो फंदों के, एक यहाँ पे रख लेंगे, और बल्कि इसको, हाँ ठीक है, और यहाँ पे दो ये हम उल्टे बुन जाएंगे ऐसे, ठीक है, और एक यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। ये हो गया, दो फंदे बीच में हो गए, ये देखें। अब हमने 13 जो है वो करने हैं, 1, 2, अभी हम सिर्फ मार्कर रख रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब फिर आपने दो मार्क यहाँ पर रख लें, एक हो गया और दो बीच में बुन लें, और एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हमने 24 जो है वो
24 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24. अब फिर हम दो मात्रे लगाएंगे, एक यहाँ पे, उसके बाद दो बना लें एक और मात्रे, उसके बाद ये जो हमें ये दो बनाए थे 24 बाद ये दो जो लगाने थे मार्क, हमें दो फंदे बनाने थे और दो मार्कर लगाने थे। अब आपने फिर 13 जो है वो गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अब यहाँ पे फिर दो मार्कर लगेंगे, एक बना लगा लिया, फिर दो बना लें बीच में ऐसे, फिर एक और लगा लें। यहाँ पे हमारे रेगुलर इंक्रीजेस होने हैं, ठीक है। और अब आगे हमने हमारे ये 16, 8 ये और 8 ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ जी 16 हैं। अभी जो बॉडी और स्लीव्स है ना, ये रेड बनेंगी, हमारा कॉलर ब्लू बन गया है, बॉडी और स्लीव्स जो है वो रेड बनेंगी। हम थोड़ा सा पैटर्न डालेंगे, दो हमने पहले सीधे बना लिए हैं, तो अब हम एक जो है वो उल्टा डालेंगे, एक सीधा, साथ साथ हम बढ़ाते भी जाएंगे, ठीक है। एक उल्टा, एक सीधा, हमारी राइट रो है, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, चार लाइनों का ये डिज़ाइन है। एक उल्टा, एक सीधा करें, अब ये मार्कर लगे हुए, हमने इससे पहले बढ़ाना है, हमने आखिरी सीधा बना लिया है। और ये देखें, ये जो बार रही हमारी यहाँ से, ये वहाँ में नज़र आ रही है, तो यहाँ से उठाइए इसको, ऐसे सामने से उठाना है इसको, सॉरी इसको सामने से उठा के इसको लेफ्ट नीडल पे ले लें और ऐसे बुन लें इसको। सीधा धागा आपका पीछे ही है, और इसको ऐसे हमारे एक बढ़ गया है पारा, ठीक है। और ये अब स्लाइड कर लें, दो बार बीच में जो है वो सीधे बना लें आप,
फिर स्लाइड कर लें, अब आपने ये जो बार है इसको आप पीछे से उठाएं ऐसे, और इसको भी हमें सीधा बनाना है। यहाँ सीधा उठाना मुश्किल होता है, ये थोड़ा ढीला करके इसको सीधा बना लें ऐसे। अब आके देखें आप पीछे, आप देखें आप डिज़ाइन में आखिरी क्या जो है वो बढ़ाने से पहले आपने एक जो है आपने सीधा बनाया था, तो यहाँ पे आप उल्टा बनाएं, एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, ये हमारे स्लीव के फंदे हैं, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा और फिर एक उल्टा। अब हमने ये बढ़ाना है, तो ये सामने से आपने बार को ऐसे लेके आना है, धागा पीछे कर ले और इसको सीधा बना ले ऐसे, इसको आप स्लाइड कर लें, बीच वाले दो जो फंदे हैं उनको भी सीधा बना लें, इसको भी स्लाइड करें, और अब आपने जो इस बार को आपने पीछे से उठाना है ऐसे, दो फंदों के दरमियान बार ना, और इसको आपने इसको भी सीधा बनाना है। अच्छा, बाकी आप देखें आपने क्या यहाँ बनाया था, सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा, और यहाँ आपने उल्टा बनाना है, डिजाइन के साथ सीधा उल्टा बनाते हैं। पीछे बैक के हमारे फंदे हैं, बैक साइड के, और उल्टा सीधा के हमने बैक साइड के फंदे भी बना लिए हैं, आखिरी हमारा सीधा आया है। अब हमने यहाँ से बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, और इसको आपने ऐसे सीधा इसको ऐसे बना ले ठीक है, तो स्लाइड करें, दरमियान वाले दो सीधे बनाएं, इसको स्लाइड करें, इस बार को पीछे से ऐसे ले जाके ऐसे बोल रहे सीधा। बाकी हमने कौन सा बनाया था यहाँ पे, सीधा यहाँ सीधा बनाना है, वह सीधा उल्टा सीधा, ये हमारी दूसरी स्लीव जो है ना उसके फंदे हैं, सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा, इंक्रीज करना है, मुझे इंक्रीज का टाइम आ गया है।
बीच के दो सीधे साइड कर लें इसको। मूल्य सीधा। अब यहाँ भी उल्टा आएगा, सीधा। ये हमारा अगला फ्रंट है। और आखिरी जो दो हैं आपने सीधे बनाने हैं। पलट जाएं। अब ये डिज़ाइन की, पहले हमने सीधा उल्टा बनाया था, अभी डिज़ाइन की दूसरी रो है। तो पहले दो जो हैं आपने उल्टे बना लेने हैं, और ये तीसरा भी हमारा उल्टा डिज़ाइन के हिसाब से आ गया है। अब जो सीधा है ना, ये देखिए सीधा है, इसको आपने ऊपर से नहीं बनाना, यहाँ से नहीं बनाना सीधा, आपने इसको नीचे से सीधा बनाना, नीचे वाले होल से। ये देखें ऐसे, फिर ये आगे उल्टा है, उसको उल्टा ही बनाना है सिंपल। फिर ये सीधा आ गया, देखें इसको आपने नीचे वाले प्रीवियस जो रो है ना उसमें से आपने लूप निकालना है, ऐसे उल्टे को उल्टा बनाएं। फिर ये नीचे वाले होल से फिर उल्टे को उल्टा बनाएं, फिर इसको सीधा बनाना है आपने नीचे वाले ऐसे। ये हम रॉन्ग साइड पे हैं। फिर सीधा आ गया आपने नीचे ऐसे चले होल से, ये जो हमने बढ़ाया था इसको आपने यहाँ से उल्टा बना लें, इसको स्लाइड करें, इन दो को उल्टा बनाएं, स्लाइड करें इसको उल्टा। अब देखें जो सीधा आया है आपने नीचे वाले होल से बनाना है इसको, नीचे आगे भी हमारा उल्टा ही आया है डिज़ाइन के हिसाब से। अब जो सीधा है इसको आपने यहाँ से सीधा बनाना है, इसी तरह आपने सारी रो करनी है नीचे से। ये सारी रो आपने ऐसी करनी है साथ। फिर मैं आपके इस यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। फिर देखिए पीछे से मेरी ये रॉन्ग रो कर ली है मैंने सारी। तो अब ये जो हमारा पैटर्न है उसका तीसरी रो है। तो पहले दो आपने सीधे वैसे ही उतार लेने हैं, अब सारी रो आपने सीधी बनानी है, ठीक है। सारी रो जो है बीच में बढ़ाते भी जाएं, और इसको आप सारी रो आपने यहाँ तक एंड तक सीधी बनानी है बिल्कुल। और उल्टी रो जो है वो आपने सारी उल्टी बना के फिर मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ आके, ठीक है। ये देखिए मैंने ये सीधी सिलाई करके फिर उल्टी सिलाई करके इस साइड पे आ गई हूँ मैं। अब देखें पैटर्न का फिर वही है, हमने उसी तरह करना है कि पहले दो जो हैं वो तो सीधे बनाएंगे ऐसे, उसके बाद आपने ये देख लेना है बस कि ये देखें ये सीधा है, ये उल्टा है, ये सीधा है, ये उल्टा है। तो वो आपने उसी को फिर दोबारा रिपीट करना है, एक सीधा एक उल्टा। ये देखें ये उल्टा आ गया यहाँ पर, उल्टे पर उल्टा, ये जो है ये उभरा सा आपको लग रहा है, ये देखें ये इसको ये सीधे पे सीधा, फिर ये देखें उल्टा यह नज़र आ रहा है, उल्टे पे उल्टा, फिर सीधे पे सीधा, फिर उल्टे पे उल्टा,
फिर सीधे पे सीधा, इसी तरह आपने सीधे पे सीधा पूरा उल्टा, फिर ये देखें फिर उल्टा है यहाँ पे, ये देखें नीचे से उल्टा ये बम्प नज़र आ रहा है, ये सीधा है ये, इसको आप सीधा यहाँ पे डालें, फिर सीधा फिर उल्टा, और फिर ये सीधा, तो और भी हमने यहाँ बढ़ाना है, तो हम इस तरह उठा के इसको आपने ऐसे सीधा बना लेना है, इसको स्लाइड करें, बीच वाले दो सीधे बना लें, इसको स्लाइड कर लें। अब इसको ये जो आपको बार नज़र आ रही है ये वाली, ये देखें ये बार, ये जो है इसको आपने पीछे से आगे आगे लेके आना है ऐसे, और यहाँ से आपने इसको सीधा बनाना है। यार थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन बन जाता है, आप जिस तरह चाहते हैं उस तरह आप उसको बना लें, बढ़ा लें। मैं इसको ऐसा बढ़ा रही हूँ। अच्छा अब आप यहाँ भी देखेंगे, ये सीधा है ये उल्टा, ये सीधा ये उल्टा, इसको हम उल्टा बनाएंगे यहाँ पे, फिर सीधा, फिर ये उल्टे की बारी, उल्टा आ गया। इसी तरह आपने ये सारी सिलाई करनी है। तो जब आप बैक साइड पे जाएंगे या रॉन्ग साइड पे जाएंगे तो आपने वो जो सीधा है उसको आपने लूप, नीचे वाला लूप से सीधा बुनना है, और बाकी उल्टे को सिंपल उल्टे तरीके से बुनना है। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये सिलाई में करके दिखाती हूँ आपको। अब दो सिलाइयाँ हमने करनी है, एक सीधी करनी है, फिर रॉन्ग साइड से हमने एक उल्टी करनी है, तो हमारा पैटर्न चार सिलाइयाँ मुकम्मल हो जाएंगी। यानी आपने ये पैटर्न इतना इजी है कि दो जो लाइनें दो रोज़ हैं उनमें पैटर्न डलता है, और दो सादी हैं, ठीक है, सीधी उल्टी हैं। अब हमने दो सादी बनानी है, सारा सब बढ़ाते भी जाएंगे। और अब हमने इसको मैं बता दूं कि हमने 6 इंच जो है वो हमने कॉलर से आर्म होल तक बनाना है इसको, 6 इंच। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना मुकम्मल कर लिया है। ये मेरे जो है यहाँ से जो कॉलर से लेकर यहाँ आर्म होल तक 6 इंचेस हो गए हैं। हम इसको दोबारा नाप के भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए 6 इंचेस हमारे मुकम्मल हो गए हैं। तो अब हमने ये जो है वो अलग अलग सारे पार्ट्स करने हैं, यानी ये जो फ्रंट एंड बैक जो है वो अलग बनाया जाएगा, और इसकी जो आर्म्स हैं यानी जो इसकी स्लीव्स हैं वो अलग बनाई जाएंगी। तो इसको मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। साथ साथ हमने इसका जो है जिप वाला थोड़ा सा बना के अलग से, तो उसको पहले हमने फिर ये सारा पार्ट जोड़ना भी है, ठीक है। पहले आप स्लीव वाला पार्ट जो है मैं बता देती हूँ आपको कैसे बना, ये बना के इस वाले आपने ये इस वाले जो है सामने से आपका लेफ्ट बनता है, तो इसको आपने मुकम्मल करना है, ठीक है। इसको मुकम्मल करते हैं ताकि हमारा जो है थ्रेड जो है वो इस साइड पे आ जाए, ठीक है। जैसे पैटर्न बनाते बनाते आ रहे हैं हम उस तरह बनाएंगे। पहला हमने सेप करना है और दो सीधे, तो ये जो है ये पैटर्न अब जो हम बनाते चले आ रहे हैं वही बनाएंगे। तो मैं ये पैटर्न बना के मैं इस मार्कर तक आती हूँ आपके पास, ठीक है।
ये देखिए मैंने पूरी ये बना के, यहाँ से बना के ये रो जो है ये मैंने कंप्लीट कर ली है, तो मैं आखिर में पहुँचने वाली हूँ। सॉरी, इसके तो पैटर्न बना रहे थे हम। ये पैटर्न के हिसाब से एक उल्टा एक सीधा बना रही हूँ मैं। अच्छा, अब हमें बढ़ाना कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये हम उतार देंगे मार्कर्स। तो ये जो एक दो फंदे हम बीच में रखे हुए थे, हमने इनके इर्द गिर्द बढ़ा रहे थे, मैं एक जो है मैं फ्रंट साइड पे ले लूँगी। ठीक है, तो ये हम उल्टा बना लेंगे क्योंकि ये पैटर्न के हिसाब से हमने ले लिया ये। तो अब ये हमारी स्लीव के जो है ना फंदे शुरू हो गए हैं। ये बाकी जो स्लीव के फंदे हैं इनके साथ देखिए मैंने क्या करना है। ये जो है अब ये स्लीव का पहला फंदा हमने यहाँ से लिया, ये जो दो फंदे थे बीच में, एक यहाँ पे फ्रंट में लिया और एक यहाँ पे लिया। तो अब यहाँ से हम स्लीव का शुरू करेंगे। अब तीन मैंने जो है ना स्लीव के यहाँ बढ़ाने हैं, और तीन जो है ना वो जब स्लीव ख़त्म होगी तो हम यहाँ पे केबल कास्ट ऑन मेथड के जरिए बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले यहाँ पे ऐसे बना लिया, एक 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 हमने बढ़ा लिया देखें। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ से फिर जो है नीड अंदर लेके जाएं और एक निकालेंगे उम के, फिर एक बढ़ा लिया, दो हो गए। उसके बाद फिर एक जो है ये इन दोनों के दरम्यान में लेके ऐसे अंदर, और ऐसे एक यहाँ से निकाल लें। दोबारा देख लें, 1, 2 और 3। अब आप देख लें कि यहाँ पे आपने कैसे बनाना है, पैटर्न के हिसाब से बना लें इनको भी आप साथ। तो ये एक उल्टा है, एक सीधा है, एक उल्टा है, एक सीधा है, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। इसको पहले आप पहले को आप उल्टा बना लें, उसके बाद एक, अब हमने तीन बढ़ा लिए हैं, एक और सीधा बना लें, फिर एक उल्टा बना लें और फिर एक सीधा बना लें। अब ये उतार लें आप आगे, फिर आपका फिर दोबारा पैटर्न। अब हमारे ये फंदे जो हैं वो अलहदा हो जाएंगे, इससे स्लीव है वो फ्रंट से अलहदा हो जाएगा। तो ये आप पूरा ऐसा उल्टा सीधा करते हुए अब तीन हमने यहाँ फंदे बढ़ा लिए हैं, ये देखेंगे तीन बढ़ा लिए हमने यहाँ पे। इसी तरह ये पूरा मुकम्मल करके रो यहाँ पे, जब मैं आऊँगी तो मैं तीन यहाँ पे बढ़ा लूँगी। ठीक है, देखिए स्लीव्स के मैं फंदे बनाते हुए सीधी तरफ से आखिर में आ रही हूँ। एक उल्टा एक सीधा पैटर्न के हिसाब से बनाते हुए, ये आखिरी हमारा उल्टा है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये मार्कर उतार लेना है, और ये जो दो जो फंदे थे बीच में जिनके इर्द-गिर्द हम बढ़ाते चले आए, उनमें से एक मैंने स्लीव में शामिल कर लेना है। तो इसको पैटर्न के हिसाब से सीधा बना लिए। अब यहाँ से मैं मुड़ जाऊँगी, ठीक है, और यहाँ से हम लोग जो है वो फिर केबल कास्ट ऑन करेंगे। ठीक है, एक बढ़ा लिया, दो बढ़ा लिए और तीन बढ़ा लिए।
तो अब आपने इनको देख लेना यहाँ से कि कैसे आपने आखिर उल्टा है फिर सीधा है फिर उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा, तो इसको आप उल्टा बना लें। ये हमारी सेकंड रो है स्लीव की, शुरू हो गए हैं। अब ये कैसा, यहाँ जो सेकंड रो है वो आपको पता है, नीचे वाले यहाँ से जो सीधा है ये सीधा नज़र आ रहा है, उसके नीचे से आपने ये निकालना है, फिर उल्टे को उल्टा बुनना है, फिर सीधा जो है वो नीचे के लूप से आपने ऐसे सीधा बुन लेना है इसको, फिर उल्टा बुनना है, फिर नीचे के लूप से आपने सीधा बना लेना है। तो इसी तरह ये सारी आपने सिलाई करनी है यहाँ तक जहाँ पे हमने तीन बढ़ाए थे। ठीक है, ये देखिए मैं आखिर में पहुँच गई हूँ स्लीव को, जो है वो रॉन्ग साइड से उल्टी सिलाई करते हुए पैटर्न के हिसाब से नीचे वाले लूप से बनाते हुए। ये जो आखिरी हमें तीन फंदे बढ़ाए थे ये वो मैं बना रही हूँ। ठीक है, ये देखें अभी हमने तीन तीन फंदे बढ़ा लिए हैं, तो ये अब कुल कितने हो गए हैं। देखिए पहले थे ये पूरे जो मिला के ना हमारे 243 थे ये। ठीक है, तो इसमें से ये जो स्लीव के थे वो थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 60 और 1, 2 और 3, 60 जो है 61 थे, 60 और 61, 62 थे ये। तो हमने 62 में तीन उधर से जमा के तीन यहाँ से हमने ऐड ऑन किए तो वो हो गए 68। तो अभी हमारे पास 68 हैं, पहले 62 थे तो अब 6 हमने बढ़ाए हैं तो 68 हो गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट सामने वाला इनको हम उसमें जान में डाल लेंगे, और ये जो बैक पार्ट है ये भी जान में डाल लेंगे, और ये स्लीव भी जान में डाल लेंगे, और ये जो है ये फ्रंट और बैक जो है वो सारा हम यार्न में डाल के मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो अभी चले हम इसके बाद स्लीव बनाते हैं। दूसरी स्लीव में मैं ऑफलाइन बना के दिखाऊँगी, ये भी मैं आपके सामने बनाती हूँ। तो ये अभी हम इसकी दो दो हमारी लाइनें हो गई हैं, तो हम 6 और लाइन मुकम्मल करके तो फिर मैं आपके सामने बताती हूँ अपने हमने डिक्रीज कैसे करना है। ठीक है, ये देखेंगे जो है ना आर्म लेंथ थे यहाँ आर्म होल से लेके हमने आगे बॉर्डर तक हमने इसको 8 इंचेस बनाना है। आगे पे 2 इंचेस का वो बॉर्डर होगा तो हमारे पूरे 10 इंचेस ये हो जाएंगे। ठीक है, तो हर 8th जो हमारी सिलाई होगी, 8th रो जो होगी ना उस पर हम एक यहाँ से डिक्रीज़ करेंगे, एक यहाँ से डिक्रीज़ करेंगे, दोनों तरफ से एक एक। तो चलें इसको, अभी 2 लाइनें तो मेरी हो गई हैं तो 6 और मैं करके तो फिर आपको बताती हूँ डिक्रीज कैसे करना है। ये देखिए मेरे मेरी 8 रोज़ मुकम्मल हो गई हैं। जब हमने बढ़ाया था यहाँ पे तीन यहाँ फंदे बढ़ाए थे तो 3 यहाँ फंदे बढ़ाए थे, ये देखेंगे स्लीव के, तो उसके बाद से मेरी 8 रोज़ हो गई। यानी हर जो जो डिज़ाइन ये पैटर्न है 4 रोज़ का है, तो 2 पैटर्न डाल चुके हैं, तो इसका मतलब मेरे 8 रोज़ हो गई है, 9th रोज़ शुरू होने लगी है। तो हर 9th रो पे आप एक एक घटाएं। ठीक है, तो ये मैं एक घटा देती हूँ आपके सामने, देखें चूँकि अच्छा ये सीधा ऐसे घटा लें, ऐसे घटाने के बाद पूरी रो जो है
वो आपने पैटर्न के हिसाब से बनानी है, सीधा उल्टा सीधा उल्टा। इसे मैं आखिर में फिर आपको बताऊंगी कैसे कटाना। आखिरी के 3 फंदों तक आप बनाएं इसको। ये देखें सीधी ये लाइन जो है बनाती हूँ मैं, ये इस रो जो है मेरी 9th रो, इसमें मैं बनाती हुई आ गई हूँ। तो अब मैं आपको बताऊँ, ये जो है 3 फंदों तक मैं आ गई हूँ। तो अब हमने 2 का एक करना है, उल्टा हम कर लेंगे कि पैटर्न के हिसाब से हमें उल्टा ही चाहिए था। तो इस तरह आपने हर 9th रो पे यानी 2 पैटर्न मुकम्मल करने के बाद आपने जो नया पैटर्न शुरू होगा उस पर आपने एक इधर घटाना है, एक इधर घटाना है हर 9th रो के बाद। तो इस तरह घटाते घटाते ये हमारी भी 62 थे, तो ये 42 रहने चाहिए आखिर बॉर्डर से पहले तक। तो चलें बनाते हैं इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी जो है एक स्लीव मैंने मुकम्मल कर ली है, और इसका आगे डबल बॉर्डर बनाया है। देखिए ऐसे डबल बॉर्डर ये ऐसे बनाया है मैंने। यहाँ पे ये 30 मैंने रोज बनाई हैं, एक उल्टे एक सीधी की 1x1 रिब की। और ये देखें यहाँ से ये ऐसे हम सी देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये बैक साइड भी मैंने इसकी बना ली है, देखें बैक साइड बना ली है इसकी मैंने। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो ये देखें ये मैं रिप्स जो बनाई हुई, ये लाइनिंग जो बनाई हुई डिज़ाइन की, ये मैंने 23 बनाई है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से ये जो हमारा स्लीव है इसकी भी 23 ये लाइंस हैं। तो ये बराबर हैं दोनों, ठीक है, बराबर होने भी चाहिए। देखें ये ऐसे इसका लेंथ जो है वो हम बराबर होनी चाहिए, बैक और फ्रंट साइड के बराबर होनी चाहिए स्लीव्स की। तो अभी हमने दूसरा जो है ये भी मुकम्मल हो गया, ऐसे इसका आगे जो है बॉर्डर रहता है। तो वो मैं ये 15-30 लाइन्स रोज बना के इसको मैं बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो ये देखिए हमने बढ़ाया किस तरह है, मैंने बताया था पहले भी आपको कि मैंने हर 8th रो पे बढ़ाया, यानी जब हमारा 1 रो और 2 रो मुकम्मल होगी 3rd रो पे हमने एक एक घटा लेना है, एक यहाँ घटाना है एक यहाँ घटाना है, ताकि हम इसको स्लीव को शेप दे सकें। तो मैंने कुल कितना घटाया मैं आपको बता देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी 10 मैंने यहाँ से घटाए हैं और 10 मैंने यहाँ से घटाए, 20 मैंने घटाए हैं, ठीक है। तो अब बाकी हमारे पे यहाँ पर रह गए हैं, मैं आपको गिन के बता देती हूँ कितने रह गए बाकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 40 और बाकी ये 46 है हमारे पास। तो हमने इसको 42 करना है। तो हमने इसमें हमने 6 घटा लेते हैं, 4 घटा लेते हैं इसमें, तो 42 रह जाएंगे इसके लिए स्लीव के लिए। तो आगे फिर हम बॉर्डर बना लेंगे, ठीक है। अब ये जो सारा जो है फ्रंट का जो है, अब हम फ्रंट का मैं बताऊँ आपको कैसे करना है। ये फ्रंट का हमारा पार्ट है, ये देखिए फ्रंट का। तो यहाँ मैंने आपको पहले भी कहा था यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको जिप लगानी है। अब क्या आप करेंगे, हम यहाँ से ये जो फंदे हम राउंड एंड राउंड नहीं बना रहे, हमने बैक साइड पहले बना ली है, जो फ्रंट साइड हम अलहदा बनाएंगे जैसे हमने बैक साइड अलहदा बनाई, फिर साइड पे यहाँ पे सिलाई करेंगे। इजी तरीका रहता है या इस तरह। अब हमने 4 रोज़ और ये फंदे चढ़ा के
यहाँ से हमने चार रोज़ इकट्ठा यहाँ से हमने बनाना है, अब हमने अलग-अलग नहीं बनाना, इकट्ठा बनाना है। तो चार रोज़ बनाने के बाद हम इसको यहाँ से जो है वो आपस में बंद कर देंगे, ठीक है। अभी हम चार रोज़ बनाते हैं और फिर उसके बाद इसको बंद कर देंगे। तो मैं इनको चढ़ाती हूँ उस पर, उस पर नीडल्स के ऊपर। ये देखिए मैं नीडल पे सारे जो हैं फंदे चढ़ा लिए फ्रंट के। तो अब मैं इसको डिज़ाइन के मुताबिक जो है वो एक उल्टा सीधा बनाऊंगी। तो पहला सीधा बना लिया है, अब एक उल्टा, फिर एक सीधा। ये पैटर्न हमारा डल रहा है, ये हमारे 80 फंदे हैं। ये पूरी डो जो है हमने सीधा उल्टे की बनानी है, और उसके बाद उल्टी तरफ से मैं जो है वो बताती हूँ आपको क्या करना है। ये देखिए मैं पहली रो फ्रंट पोर्शन की पार्ट की बना रही हूँ, पहली रो अभी आपको मैं दिखाया था। ये इसको मैं बताऊँ आपको कैसे जोड़ना है। अच्छा, आखिरी जो हमारे जो ये हमारा दो जो तीन जो सीधे थे हमारे सीधे आएंगे, तो उनको मैं सीधा बनाऊंगी। ये आखिरी सीधे हैं, इनको हम सीधा ही बनाएंगे। और तीन यहाँ से सीधे हैं, तो एक दो और तीन। ये हमारे यहाँ पे जिप लगेगी। अब हम लोग ये सीधे सीधे ही बनाने, यहाँ से भी सीधे बनाते चले आ रहे हैं। आगे फिर डिज़ाइन शुरू हो गया, एक सीधा एक उल्टे का। तो ये पूरी रो मैं कंप्लीट करके यहाँ तक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने एंड रो के एंड तक आ गई हूँ सीधी तरफ से। तो ये रॉन्ग साइड है हमारी, इसको आपने सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बनाना है। लेकिन वो ये जो सीधा है इसको आपने नीचे वाले लूप से बनाना है, फिर उल्टा बनाएं, फिर ये सीधा आ गया इसको सीधा नीचे वाले लूप से बनाएं, फिर उल्टा बनाएं। इसी तरह आपने पूरी रो बनानी है उल्टी साइड से, फिर नीचे वाले लूप से सीधा बनाएं ऐसे। ये देखें ऐसे, ये उल्टा, ये सीधा नीचे वाले लूप से। आपने सीधा ऊपर से नहीं बनाना, नीचे वाले लूप से ऐसे इसको उठाना है, ये ऐसे। इसी तरह ये पूरी रो आपने बनानी है, सिवाय उन फंदों के जो आपने एंड पे यहाँ पे ये बनाने हैं, तीन सीधे उल्टे यहाँ से बनाने हैं और तीन यहाँ से आपने उल्टे बनाने हैं। ये देखें बीच वाले जो हैं छः जो हम उल्टा बना रहे हैं, इसको बीच वाले फंदे को कस के ऐसे बनाइए ताकि ये आपस में सही तरह ये कनेक्ट हो जाए। उसके बाद फिर आपने वो सीधे जो नीचे वाले लूप से आपने सीधा बनाना है ऐसे, फिर पूरा डिज़ाइन जैसे मैंने आपको बताया है। इसी तरह ये पूरी रो हमें बनानी है, ये हमारी रॉन्ग साइड है। अब देखें दो रोज़ मैंने उसके बना लिए सीधा उल्टा सीधा उल्टा। अब पीछे से वो जो सीधा फंदा था उसमें बैक लूप नीचे वाले लूप से हमने बना लिया और उल्टे को उल्टा बनाया। तो अब हमारी दो रोज सीधी उल्टी है, ये पूरी लाइन हमारी जो है ये फ्रंट की ये सीधी जाएगी और जो बैक साइड से यानी रॉन्ग साइड से हमारी उल्टी जाएगी। तो ये मैं करके दिखाती हूँ फिर आपको, क्या अब बताती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये पार्ट सामने का बनाया है, चार लाइनें बनाई हैं।
मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 4 लाइनें ज़रा कम होगी, तो हम 4 लाइनें और बना रहे थे डिज़ाइन की, तो मैं वो डिज़ाइन की 4 लाइनें और बना के फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये बस आपने यहाँ डिज़ाइन बनाना है, बीच में 3 जो अच्छे जो फंदे और सीधे सीधे बनाने हैं, उल्टी तो छोटे उल्टे बनाने हैं, और बाकी यहाँ भी डिज़ाइन बनाना है। तो ये मैं बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 8 रोज़ मुकम्मल कर ली हैं, और बीच बीच में से हमने सीधा और उल्टी तरह से उल्टा बनाया है, ठीक है। तो ये अब मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। यहाँ तो हमने आपको बताया, मैंने आपको यहाँ हमने जिप लगानी है यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर कॉलर तक। अच्छा, अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक बना लिया है, 8 रोज़ हमने बना ली हैं। तो ये अब यहाँ पे ये हमारे पास 80 फंदे हैं, तो हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रॉस पॉकेट बनानी शुरू करनी है। क्रॉस पॉकेट ऐसे जिसमें बनती है दोनों तरफ से, ये यहाँ पे बॉर्डर होता है ऐसे, और यहाँ से क्रॉस पॉकेट अब नीचे से बननी शुरू होती है, ऊपर से बननी शुरू होती है। चूँकि हम ऊपर से हम टॉप डाउन बना रहे हैं, तो इसलिए हम ऊपर से बनानी शुरू करेंगे। नीचे से बनानी आपको मैंने एक दफ़ा अलहदा से फ्रंट ओपन से मेरे बेबी जैकेट में बनानी सिखाई थी क्रॉस पॉकेट। तो ये हम आगे से बंद जो है पुल ओवर जो है वो हम बना रहे हैं, ऊपर से हम अपन पॉकेट बनानी शुरू करेंगे इसकी स्लांटिंग पॉकेट्स। तो अब ये देखिए हमारे पास 80 फंदे हैं, तो हम इसके यहाँ पे हम 20 बीच में रखेंगे, और यहाँ पे बाकी जो स्वेटर है उसमें 30 रखेंगे, 30 और 30 60 और 20 80 हो गए। तो इस तरह मैंने इसको जो है वो किया है, तो अब हम डिवाइड किया है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो ये पहले हम जो है वो 30 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो ये हो गए 13। तो यहाँ पे हम एक ये बना लगा लेते हैं मार्कर, अब बीच में हम 20 गिनते हैं, हम यहाँ से 30 गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हमारे बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 21 है हमारे पास, 21 है ये। तो अब हम इसको बुन के थे, जहाँ पे हम ये जैसे कि हमने कॉलर में भी ब्लू जो है ये अजान लगाई है, तो ये इसमें भी यहाँ पे ब्लू से शुरू करेंगे। तो आपको मैं तरीका बताती हूँ कैसे करना है। पहले हम ये बुन लेते हैं डिज़ाइन के मुताबिक, यहाँ तक मैं मार्कर तक बुन के फिर मैं आके बताती हूँ कैसे करना है। ये उल्टा सीधा जो हम पैटर्न बना रहे हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये 30 बना लिए हैं। तो अब हम ये ब्लू जो थ्रेड ये लगाएंगे, मैं ब्लू थ्रेड लगा लिए है, और मेरी 30 ये मैंने जो है वो डिज़ाइन मुताबिक बना लिए हैं। तो अब मैंने ब्लू थ्रेड से ही बनाना है, तो यार्न ओवर किया पहले हमने, इसको कसने पीछे यार्न ओवर किया है, और फिर इसको आप सीधा बना लें ऐसे,
फिर यार्न ओवर करें। अब आपने हर फंदे के साथ पहले आपने यार्न ओवर करना है और इसको सीधा बना लें ऐसे। यार्न ओवर किए, यार्न ओवर सीधा बना लें इसको, फिर यार्न ओवर सीधा बना लें, फिर यार्न ओवर फिर सीधा बना लें, फिर यार्न ओवर सीधा, फिर यार्न ओवर फिर सीधा, फिर यार्न ओवर सीधा, यार्न ओवर सीधा, ये मुकम्मल करके 30 मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये जो है रो बना के आ गई हूँ फ्रंट साइड पे, और ये रॉन्ग साइड से भी रो बन गई है। तो अब हमने ये जो ब्लू धागा है इससे आपने ये देखिए पहला फंदा जो है ये आपको निट नज़र आएगा, ठीक है। इसको आप जो निटेड है ना, आपने इसको एक टू पॉइंटेड डबल पॉइंटेड नीडल पर आपने उतार लेना है ऐसे, ठीक है। और इसको ऐसे कहीं लगा दें। अब ये जो है ना इसको आपने उल्टा बुनना है, लेकिन इसको सीधा पहले कर लें ऐसे करके, सीधा करके आप इसको उल्टा बुन लें। ऐसा बुन लें, इसको फिर ऐसे कर लें आगे। फिर देखें ये नीटेड हमें नज़र आ रहा है, इसको आपने ऐसे उतार लेना है। फिर इसको यहाँ पे कहीं एडजस्ट करें और इसको आपने सीधा करके इसको आप उल्टा बुन लें। आगे देखें, फिर आपको ये नेटेड नज़र आ रहा है जो हमने उस साइड से सीधा बुना था, इसको उतार लें ऐसे और सिलाई को यहाँ पे कहीं फिट कर दें। और इस फंदे को जो हमने वहाँ पे जो हमने यार्न ओवर किया था, इसको आप सीधा करके ऐसे, तो इसको आप उल्टा बुन लें। अब इसको आप जो नेटेड है उसको आप ऐसे उतार लें, और ये यार्न ओवर है इसको आप सीधा करके ऐसे, उल्टा बुन लें। इसको उतार लें और इसको आप सीधा करके, थोड़ा सा ज़रा ये मुश्किल लाइन है, रो है, ज़रा इसको आप ध्यान से देख लीजिए, उल्टा बोल लें इसको ऐसे। इसको आप ऐसे उतार लें, इसको आप सीधा कीजिए ऐसे, और इसको आप उल्टा बोल लें।
आखिरी हमने उतार लिया जो नीडेड था, और अब इसको हम ऐसे करके, तो ये आखिरी जो हमारा जानवर था जो हमने सबसे पहले डाला था उसको हम सीधा करके उल्टा बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब ये जो है ना, इन ये जो फंदे हैं, ये ऊपर वाले जो फंदे हैं जो ज़्यादा हमने जो निटेड थे उनको हमने उनको हम उस पर उतार लेते हैं, और इनके साथ फिर नीचे वाला जो पोर्शन है जो रेड में हम लगा के, तो फिर हम नीचे वाला पोर्शन बनाएंगे। अच्छा, तो अब हम यहाँ से रेड से कंटिन्यू करेंगे। ये दोनों जो है हमारे, सॉरी, ये दोनों जो है वो 20 और 20 हैं। इसके बाद में हम एडजस्ट करके ना हम अंदर की तरफ कर लेंगे इसको, यार्न को, इस पीस को। अब मैं ये पूरा जो है ये करके, तो अब इस साइड से मैं आती हूँ फिर आपके पास। अच्छा, अब देखेंगे मैंने रॉन्ग साइड से बना के, सीधे साइड से बना के मैं साइड पे आ गई हूँ रेड धागे से। तो अब जो ये जो ब्लू हैं इनको आपने रेड ही बना लें आप, क्योंकि ये नीचे आ जाएंगे ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं इसी से कंटिन्यू करूँगी रेड धागे से ही, इनको ये ऊपर ब्लू जो है इनको ब्लू रहने दूँगी, फिर हम इसको बाद में हम पॉकेट की शक्ल देंगे। दो रोज़ ज़रा थोड़ी सी बन रही हैं, ज़रा सख्त सी बन रही, बाद में ठीक हो जाएंगी ये, जैसे हम दो तीन लाइनें बनाएंगे ना तो ये एडजस्ट कर देंगे। ये अब आपने रेड ही से कंटिन्यू करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लेंथ पूरी कर ली है, ये बॉर्डर तक, बॉर्डर जो है बॉर्डर से पहले तक की मैं लेंथ कंप्लीट कर ली है मैंने। तो ये जो है अब हम इसमें क्रॉस पॉकेट बनाएंगे। आपको पता है कि यहाँ पे मैंने ये फंदे जो हैं ये मैंने एक्स्ट्रा जान में मैंने पिरोए हुए हैं, तो इनको मैं नीडल पे डालूँगी। ये देखिए मैंने इसमें नीडल में डाल ली हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्रॉस पॉकेट बनानी है, स्लिप नॉट सी बनाई हुई है, तो मैंने ये ऐसे इसको ले लेंगे ऐसे, तो सीधे सीधे बनाते हैं ये पहले फंदे हम। इसको हम उल्टा बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पलट जाए,
पहला स्लिप कर लें, दो सीधे बना लें, ये हम बॉर्डर बनाना शुरू हो गए हैं, ठीक है, दो सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके ये बीच वाले जो फंदे हैं आखिरी तीन फंदे तक उल्टे बनाएं। अब धागा पीछे करके तीनों फंदों को आपने सीधा बना लेना है। इसको ज़रा नॉट दे लें। यहाँ से पलट जाए, अब हम बढ़ाना शुरू करेंगे। पहला आपने स्लिप कर लेना है, दो सीधे बना लें, आप अब जिस तरह मर्जी आप बढ़ा लें, आपकी चॉइस है, तो मैं ऐसे बढ़ाऊंगी। एक मैंने फंदा बढ़ा लिया, अब बाकी फंदे सीधे। आखिरी के तीन फंदों तक वो भी हमने, उससे पहले हमने बढ़ाना है। ये देखिए आखिरी के तीन फंदों तक हमने बुन लिया। अब आप यहाँ बढ़ाएं, एक फंदा बढ़ गया, सीधा बनाएं इसको, आपने बॉर्डर बनाएंगे और आखिरी आपने उल्टा बनाना है। पलट जाएं, पहला स्लिप, दो सीधे, और ये जो उल्टा है आपने इसको उल्टा बनाना है, लेकिन पहले इसको आप थोड़ा सीधा कर लें, ऐसे बैक लूप से बना लें या फिर सीधा करके बना लें इसको। बाकी आपने उल्टे बनाने हैं आखिरी की तीन फंदों तक। जो एक ने बढ़ाया है वो भी उल्टा बनाएंगे, जैसे हम पहले बना चुके हैं एक। ये देखेंगे हमने बढ़ाया था ना, तो इसको हम उल्टा बनाएंगे बैक लूप से, ऐसे, ठीक है, उल्टा बनाएंगे। और ये जो है आपने सीधे बनाने हैं और आखिर, अच्छा, इसको भी सीधा बना लें। अब पलट जाएं, अब फिर सीधी लाइन आ गई, हमने बढ़ाना है, इसको उतार लें सीधा, ऐसे दो सीधे, एक आपने बढ़ाना है। आखिरी के तीन फंदों तक इनको आप बढ़ाएं, सीधा सीधा बनाएं। अब यहाँ बढ़ाएं एक ऐसे और इनको सीधा बना लें और आखिरी जो है उल्टा बना लें ऐसे।
अब यहाँ से ही पलट जाएंगे, देखिए छोटा छोटा बॉर्डर बनना शुरू हो गया है। सॉरी, पहला स्लेब, दो सीधे, और जो हमने पढ़ाया हुआ है उसको आपने बैक रूप से सीधा बनाना है, उल्टा बनाना है। ये देखें ऐसे, बाकी उल्टे आखिरी के तीन फंदों तक। ये देखेंगे जो बड़ा सा हमने हमने इसको अब बैक रूप से सीधा उल्टा बनाना है। ये देखें ऐसे, और बाकी आपने दो सीधे बना के तो आखिर उल्टा पलट जाए। इसी तरह आपने हर सीधी सिलाई पे ना बढ़ाते जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो पॉकेट है ये बना ली है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि 15 यहाँ से बढ़ाने हैं और 15 यहाँ से बढ़ाने हैं, लेकिन जब मैंने बढ़ा लिए 15 तो मुझे एहसास हुआ कि ये कम चौड़ी है, यहाँ तक क्यों ख़त्म हो रही थी, तो मैंने इसमें 5 और बढ़ा ली हैं, यानी 20 मैंने यहाँ बढ़ाए हैं और 20 यहाँ से, 20 यहाँ से बढ़ाए हैं। ठीक है, तो अब हमने बढ़ाने बंद कर देने, अब हम इसकी 20 जो सिलाइयाँ हैं वो हम बनाते हैं सीधी सीधी। अब हमने कुछ नहीं बढ़ाना, ना हमने बॉर्डर बनाना है और ना ही हमने इंक्रीजेस करने हैं। ठीक है, तो अब हम इनको बस सीधा सीधा 20 रोज़ जो बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ आपको। अब जो हमारे पास पॉकेट के कुल जो हमारे पास फंदे हैं, स्टिचेस हैं, वो 60 हैं, क्योंकि हमने 5-5 और बढ़ाए, यानी 20-20 बढ़ाए, तो हमारे जो हैं वो 60 हो गए हैं ये पूरे। तो चलिए मैं आपको 20 रोज़ बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी 14 जो हैं वो लाइनें मुकम्मल की, 20 की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो 20 में ये 14 मैंने रोज़ बनाई हैं और सीधा सीधा बनाया है, यानी स्टॉकनेट स्टिच में बनाया है। तो अब हम इसको देखें, अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको जोड़ेंगे इसके साथ। ठीक है, तो 10 हम यहाँ छोड़ेंगे, बीच में हमारे ये 60 हैं और 10 ये, तो ये हमारे 80 पूरे मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं पहले मुकम्मल करती हूँ, ये जो रेड जो है इसको धागा लगा के, क्योंकि हमारे दो कलर्स हैं ना, तो दो कलर्स के लिए ज़रा एहतियात करनी पड़ती है। ये सीधा सीधा बनाऊँगी पैटर्न के हिसाब से, आगे हमने आगे फिर मैं बताऊंगी क्या करना है, कि हमने बॉर्डर कैसे किस वक्त शुरू करना है नीचे। ये सीधा सीधा मैं बनाऊंगी इस तरह, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, अब हमने इसके साथ जोड़ना है इसको, धागा ये लगा हुआ है ब्लू रंग का हमारे पास, एक हम यहाँ से लेंगे इस पॉकेट वाली जो है नीडल से, और एक हम जो है वो उधर से लेंगे। तो इसको हम पहले
ओवरलैप भी कर लें ऐसे। ताकि यहाँ पे कोई खला ना रह जाए। ये कैसे लेना है, एक यहाँ से सामने से एक बैक साइड की नीडल से लेना है। इस तरह ही हमारी जो पॉकेट है वो जुड़ती चली जाएगी, अटैच हो जाएगी इसके साथ, फ्रंट पार्ट के साथ। ये देखें हमारा मुकम्मल हो गया है। तो अब बाकी 1, 2, 3, 4 और 5 10 हमारे स्टिचेस रह गए। इसके लिए लहदा में जो है धागा वो यूज़ करूँगी यहाँ से। ये 10 जो हमारे ये देखेंगे हमारा ये अटैच हो गया है। तो अब मैं उल्टी तरफ से ब्लू धागा लगा के, ब्लू जान लगा के, तो हम इसको मैं हम इसका बॉर्डर बनाते हैं, एक सीधे एक उल्टे का। ये देखिए नाज़रीन, ये मेरी पॉकेट तो बन गई है, आपको पता है कल बन गई थी ये। तो ये अब सिर्फ साइड पे है, सीना बाकी है। तो ये मैं आपको सी के दिखा देती हूँ। इसको यहाँ नीचे से सीना शुरू करते हैं इधर से। इन बिट्स के बारे में वही ना कहीं, अभी मैं इनको अंदर कर देती हूँ, उनको टक इन कर देंगे हम। यहाँ से आप कट कर दें। इसी तरह मैं दूसरा भी आपको सीख के दिखा देती हूँ, ये वाला, इस वाला पोर्शन, ये वाला जो है। अच्छा जी, ये देखें ये पॉकेट सिल गई है। देखिए कितनी अच्छी पॉकेट बनी है ये। तो अब हमने यहाँ पे जेब का जो है ये हमने इसका बनाया है। मैंने एक ये पट्टी से बनाई है। आपको याद होगा कि हमने जब कॉलर शुरू किया था, डबल कॉलर जब जोड़ा था हमने, तो हमने 3 फंदे यहाँ से, जो 4 फंदे थे सॉरी, वो हमने छोड़ दिए थे, वो हमने धागे में डाल दिए थे, उनको रिजर्व कर लिया था। क्यों फिर अब मैंने देखिए ये यहाँ पे ये जो है फंदे मैंने उठा के, तो ये पट्टी सी बनाई है, क्योंकि ये हम यहाँ पे सीनी है अंदर तरफ इस साइड पे, और यहाँ पे हमारी जिप लगेगी। ठीक है, तो अब मैं आपको ये जो है ये फंदे उठा के दिखा देती हूँ यहाँ से जो है, और ये फिर हम जो इनको बुनेंगे। ये देखिए ये 4 फंदे जो है ना, ये देखिए अंदर वाले ये कॉलर पे हमने छोड़े थे ये, तो ये हम उठा लेते हैं।
एक, दो, तीन और ये चार। नीडल पे मैच हार गया। नीडल जो है मेरी वो 10 नंबर है, क्योंकि हमने छोटा सा ये बॉर्डर बनाना है। सीधे सीधे बना लेते हैं, मतलब दोनों तरफ से सीधा, मतलब सीधी पट्टी सी बन जाएगी। आप दोनों तरफ से ना सीधा बनाएं, बेशक आप एक तरफ सीधा बना लें, सामने तरफ से यानी स्टॉकिंग स्टेच में भी बना सकते हैं। मैं ये दोनों तरफ से सीधा बना रही हूँ। अब इस टाइम पट्टी सी बना के मैं बताती हूँ कितनी बनानी है। ये जिस टाइम बैंड सा बनाना है, ये देखें जिस टाइम मैंने ये बैंड बनाया है, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे इधर स्टिच करेंगे बाद में। ये देखें यहाँ तक जितना, ये यहाँ पे आपका वी जो है वो ख़त्म जहाँ स्टार्ट होगा ना, यहाँ यहाँ ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ तक आपने बनानी है। ये देखें ऐसे यहाँ तक बनानी है, ठीक है। तो ये मैं दोनों बना के फिर आपको दिखाती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए मैंने दोनों बैंड बना लिए, एक ये बैंड बन गया है हमारा और ये पहले का बैंड बनाया था मैं। तो अब हम स्वेटर को उल्टा करते हैं और ये साइड में आपके सामने रखती हूँ। ये देखें ये बैंड हमने इस तरह बनाए हैं। ये बैंड हमने इस तरह, अब आगे जाके दोनों को हम बैंड्स को जोड़ लेंगे, ठीक है। ये देखें ऐसे बैंड बन गए ना, ये देखें ये ऐसे यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ अब हमने इतना, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हमने निट टुगेदर करना है। अब ये बैंड देखें आपको ऐसे नज़र आएगा, ये देखें ऐसे, ठीक है। तो ये अब हम इसको सीएंगे और कहाँ से सीएंगे, देखें इस साइड से सीएंगे, इस साइड से, ठीक है। यहाँ तक सीएंगे और यहाँ तक सीएंगे, यहाँ तक, ठीक है। तो अभी मैं आपको सी के दिखाती हूँ इसको। अच्छा ये देखें, अब मैंने इसको डबल धागा डाल दिया है सुई में, आम थ्रेड और बारीक सुई है ये कपड़ा सीने वाली। तो ये इसमें अब हमने क्या करना है, यहाँ से सीना है हमने इस एज को, यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से
ये सी के मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुल हमारी 26 रिजेज हैं और आगे हमने 4 रिजेज बनाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो ऊन से भी आप इसको सी सकती हैं, तो मेरे ख्याल में ये इस सही रहेगा, धागे से बराबर रख के इसको आप सीती जाएं, ऐसे छोटे छोटे स्टिचेस ले लें, नीट नीट। अच्छा देखिए, अब ये मैंने सारी पट्टी सी ली है यहाँ तक, यहाँ से नहीं सी, यहाँ से भी हम छोड़ा हुआ है, तो ये देखें ये सारी सिल गई है। अब हम इसके अंदर वो जो है वो लगाएंगे जिप, ठीक है। तो अब हम इसको सीधा कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है। अब हम इसके अंदर जिप लगाएंगे इधर, अच्छा ये देखें जिप मैंने ली है, आप मोटी भी ले सकते हैं, ये मैंने ये ली है। तो इसको आप पहले यहाँ, ये तो आपका ऐसा टर्न हो जाएगा, ऐसे टर्न हो जाएगा, तो इसको आपने यहाँ तक नाप के इसको कट कर लेना है। ये जो पार्ट है आपने इसके अंदर ऐसे रख के सीना है ऐसे, ठीक है, पीछे से भी सीना है और आगे से भी सीना है। पहले आप सामने से सी लें ऐसे, उसके बाद फिर अंदर से सी लेंगे। ऐसे रख के ये हम नीचे ऐसे अच्छा, अब हमने ये जो है ना नीचे वाला पोर्शन जो है ये वाला जो है ये इसको हमने यहाँ पे सीना है, ठीक है। ये जो है पूरा तो इसको हमने ये जो है ये देखिए हमने सीन है अभी पूरा। ये वाला जो पोर्शन है देखें ये हम इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर ये जो पॉकेट से बच गए ना इसके अंदर ये इसमें डालेंगे, ये देखेंगे ये उल्टा करके ये जो हमने बनाया था ये इसको आप यहाँ से इंसर्ट अंदर कर लें ऐसे, ये देखें ऐसे इसको सीधा करके, तो फिर यहाँ पे हम इसको टांके लगाएंगे, यहाँ पे इसको हम सीएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये फ़िलहाल ये वाला पोर्शन सी के दिखाती हूँ, ये वाला
ठीक है, यहाँ से तो हमने सी लिया था ना ऊपर से, तो अब यहाँ से मैं आपको सी के दिखाती हूँ। ये देखिए एक तरफ से हमने ये सी लिया है, तो मैं दूसरे उसे भी अटैच करके फिर आपको दिखाती हूँ। लेंगे हमारी ये जिप तो तैयार है, ये देखें जिप हमारी लग गई, तो ये अब हम मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखें ऐसे, और ये ऐसे। अब ये मैं पूरा स्वेटर जो है वो, ये मैंने आपको मतलब बताया था कि मैं डबल जो है ये बॉर्डर बनाए, ये इस तरह मुड़ के आएगा ऐसे, तो ये हम जो है इसको हम उल्टी तरफ से सियेंगे, ठीक है, तो सियेंगे ताकि ये मोड़ के जब आए तो फिर ये सही आए ऐसे। तो ये मैं आपको सी के दिखाती हूँ। तो इसके मैं मेजरमेंट्स बता दूँ आपको, इसका अगर हम यहाँ से नापें, यहाँ से जैसे कॉलर से, तो इसकी जो लेंथ है बॉर्डर तक ये है तकरीबन 15 इंच, और इसकी 38 ये CM है और 15 इंच है, ये देखें ठीक है। और इसकी विड्थ जो है तेरह इंच है, यानी 33 CM, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है इसकी स्लीव्स की है वो हम यहाँ से नापें आर्म होल से, ट्वेल्व इंचेस है बॉर्डर्स में, तो ऊपर से नापें शोल्डर से तो यह है 16 इंच। तो ये जिसके लिए हमने बनाया है, माशाल्लाह वह हेल्दी बच्चा है, तो उसके लिए ये 2 से 3 साल और आगे भी ये पहन सकता है। और बड़ा मतलब इसमें जो ज़िपर है ये बच्चे के लिए बड़ा कंफर्टेबल रहती है, और ऐसे खोला बटन जो है वो खोलना बंद करना मुश्किल होता है, इसका आप आराम से सुकून से ऐसे, ये देखें अंदर से ऐसा ही है। और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसे आपको लगा, आपने फॉलो करके इंस्ट्रक्शन जो हैं वो इसको बनाया है और कैसा बनाया है। तो आप इसको जो है बनाएं और पहनाएं बच्चों को, बहुत ठंड है, बड़ा विंटर जो है वो ठंड होती जा रही है, ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो अब आप इसको बनाएं बच्चे को। और हमने इसका ये जो डिज़ाइन है ये भी बड़ा गफ बनाया है, और ये जो है एक लिहाज से ये जैसा कोट होता है मोटा सा उस तरह का बनाइए।